कांग्रेस के प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने मसूरी में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि इस बार केदारनाथ यात्रा प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रभावित हुई है। इस बार रोजगार और व्यापार करने वाले लोगों को भारी नुकसान हुआ। विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार के कैबिनेट मंत्री स्थानीय लोगों के रोजगार के साधनों को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण स्थानीय लोगों को विकास की धारा से जोड़ने और पलायन रोकने के लिए हुआ था, लेकिन वर्तमान में स्थानीय रोजगार छीनने का काम हो रहा है। उन्होंने विधानसभा में प्राइवेट बिल पेश कर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को संविधान की अनुसूची 5 में शामिल करने की बात कही। अगर ये बिल पास होता है तो भू कानून और मूल निवास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कानून में जब कहीं बिड निकलती है, टेंडर निकलता है, तो यदि मंत्री जी या उनके संबंधी सम्मिलित होंगे तो उसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी। भले उन्होंने उससे बैकआउट कर लिया अपने, लेकिन ये वहां स्थानीय लोगों को वरीयता के आधार पर मिलना चाहिए और उनका हक है। इसी इन्हीं उद्देश्यों को लेकर इस राज्य का भी निर्माण हुआ है। और जब हम घर और गांव में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे तो पलायन भी रुकेगा। लेकिन हर जगह अगर बाहर से आकर वहां आदमी ये सब करेगा, मैंने तो प्राइवेट बिल के माध्यम से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को, कुमाऊं और गढ़वाल को संविधान की अनुसूची 5 में शामिल करने के लिए बिल पेश किया है।